जे टाइम में अल्ट्रासाउंड नहीं उठी ने वो टाइम में यहाँ अल्ट्रासाउंड उठी वो टाइम में जो 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 आदमी आया जिस ने नीचे जी आवे जो इलाज के लिए आता था और वापिस नहीं जाता था। हाँ वही तो ये अंग्रेजों के जमाने का चर्च है भाई, जो अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉग के लिए यार, रुक भी बोलना पड़ता है, चल भी बोलना पड़ता है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरे ठीक सामने एक कब्र पड़ी हुई है और इस भाई साहब की डेथ हो रखी है 1945 में। और कहते हैं कि यहाँ एक पागल सन की डॉक्टर हुआ करता था और वो लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी खोपड़ियां खोला करता था। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरूर चवाल और पहाड़ उत्तराखंड से कवि राणा आपका एक बार फिर से दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। तो यार दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है झेकला धार से। तो यार दोस्तों, आज का सफर एक ऐसा सफर होने वाला है जो कि बिल्कुल अनजाना है, जिसके बारे में हमने सिर्फ परीक्षा वाणी में पढ़ा या फिर किताबों में पढ़ा या फिर दूसरों के जरिए सुना। तो यार दोस्तों, आज ऐसा सफर हमारा होने वाला है, तो आप जुड़े रहे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आएगी ना भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसको फिर करना, ठीक हो गया, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, आज का सफर हमारा काफी सुनहरा होने वाला है धूप की खूबसूरत किरणों के साथ। तो देखते हैं आज का सफर में क्या क्या रह पाता है, क्या क्या अझेल हो पाता है और क्या क्या मस्त हो पाता है और क्या क्या हम झेल पाते हैं, वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो जुड़े रहे। तो भैया मैं पहुंच चुका हूं अभी थल पे और यहाँ पे हमने भरना है पेट्रोल, तो राजू ड्रॉप कर दो। तो अब जैगुआर को पिलाया जाएगा तेल, कर दो खड़खड़ खड़खड़ करो ही। हाँ ये, और पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है अभी, 96.22। तो देखते हैं कितने का खाती है जैगुआर तेल। तो अपने जैगुआर ने पिया 1000 रुपए का तेल भाई। तो यार दोस्तों, अभी मैं पहुंच रखा हूँ ले घाटी पे और ले घाटी पे यहाँ पे काफी खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया है माँ दुर्गा का, और ये देखिए काफी भव्य और दिव्य रूप माँ दुर्गा देवी का। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ हम खा रहे हैं लुंठी पे, नहीं कह ले लुंठी है ना, हाँ लुंठी पे लजीज लजीज खाना, और इसको खाने के बाद हम निकलेंगे सीधे आगे की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली हम लुंठी भोजनालय से हम खाना खा के आ गए हैं और पिथौरागढ़ शहर से हम निकल चुके हैं। रास्ते में हमें मिला है एक खूबसूरत सा हनुमान मंदिर, जो कि देखने में काफी खूबसूरत है, और इसके शीर्ष में देख सकते हैं आप एक चक्र बना हुआ है जो कि सेम जगन्नाथपुरी की तरह दिखने वाला चक्र है। चारों तरफ से देखो पूरा गोल दिख रहा है, और अभी भी आपको दिख रहा होगा पूरा गोल चक्र दिख रहा होगा, जहां तक आपको ब्लॉग में दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, पूरा गोल चक्र दिख रहा है, तो ये चारों तरफ से गोल दिखता है भाई। तो काफी खूबसूरती से बनाया गया है ये हनुमान मंदिर, जो कि धारी धमौड़ा नामक गांव में स्थित है भाई। यार दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरना माता मंदिर के आसपास, और ठीक गुरना मंदिर के यहाँ पे एक जो जल स्रोत पाया जाता था वहां पे काफी खूबसूरत सीमेंट के द्वारा आकृतियां बनाई गई हैं, जो कि देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा है, और इतना बड़ा ओम भी बना रखा है, वाओ काफी खूबसूरत लग रहा है यार। तो ये वाटरफॉल के आसपास, मतलब जो जल स्रोत था उसके आसपास काफी खूबसूरत सी आकृतियां बनाई हैं, और ठीक वहां सामने देख सकते हैं वो हट भी बना रखे हैं जहां पे लोग रेस्ट कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे है माता गुरना देवी का मंदिर, जो कि
देवी माँ की एक रूप में से एक मानी जाती है और यहाँ पे काफी खूबसूरत सा भव्य मंदिर है भाई। तो यार दोस्तों फाइनली हम पिथौरागढ़ की सीमा को छोड़ चंपावत की सीमा में आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं हम जॉर्ज माउंट पे। और यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम का एक हॉस्पिटल भी हुआ करता था और एक चर्च भी मेरे ठीक सामने है, मैं वो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ भाई। और यहाँ पे है वो चर्च जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था और इसमें जो सन लिखा है ना, इसमें लिखा है 1942 में ये चर्च बना हुआ है जो कि काफी पुराना है और खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है अभी। तो ये अंग्रेजों के जमाने का चर्च है भाई जो अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। तो यार दोस्तों चर्च के ठीक पीछे आपको कुछ कब्रें भी देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत पुरानी। एक बार एक कब्र में चढ़ के देखते हैं। तो मेरे ठीक सामने एक कब्र पड़ी हुई है और इस भाई साहब की डेथ हो रखी है 1945 में। और ये ऊपर से स्पेलिंग क्या लिखी है पता ही नहीं चल रहा मुझे। ये अंग्रेजों के टाइम के अंग्रेजों के चर्च है भाई, नहीं चर्च बोल रहा हूँ सॉरी, कब्र है। तो यार दोस्तों चर्च आप लोगों ने देखा, अब आपको मैं एक ऐसी डरावनी जगह ले जाने वाला हूँ ना जो कि बहुत ही खतरनाक और भयानक है। और कहते हैं कि यहाँ एक पागल सन की डॉक्टर हुआ करता था और वो लोगों को पकड़ के उनकी खोपड़ियां खोला करता था। तो आज उसी हॉस्पिटल उसी भूतिया जगह में आपको ले चलता हूँ। तो हम डॉक्टर मॉरिस के हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके से घुसे भाई। देखो मैं तो घुस चुका हूँ, अब बारी है कवि दा की। आ जाओ, क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉग के लिए यार, रुक भी बोलना पड़ता है, चल भी बोलना पड़ता है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कुछ ऐसे आए भाई हम। यार मेरे को तो यहाँ की हिस्ट्री पता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल सेम मतलब उसी टाइप का ही, जहाँ पे अंग्रेजों का इलाज होता था, अंग्रेज जो बंदे मतलब जो भी अपने उनके वो होते थे और इंडियन के जो भी होते थे उसका इलाज होता था यहाँ। तो यार दोस्तों ये वही हॉस्पिटल है ना जहाँ माउंट क्या नाम था, मैं नाम ही भूल गया, अंग्रेज एवर्ड माउंट, और जो डॉक्टर मॉरिस था ना वो यहीं प्रैक्टिकल किया करता था, अपने सारे प्रैक्टिकल को अंजाम यहीं दिया करता था। और गांव वालों को पता नहीं कितने लोगों को यहाँ शहीद कर दिया, इसका कोई गिनती भी नहीं है ना दाजू, आप तो लोकल के हो ना यहाँ। तो जो डॉक्टर मॉरिस था ना कहते हैं कि उसको भी बोलेंगे वो, दैट इज कॉल्ड अ रिसर्चर। हाँ मतलब एक वैज्ञानिक टाइप से हुआ करते थे वो। तो कहा जाता है कि गांव वालों के द्वारा उस मॉरिस डॉक्टर को यहीं जिंदा जला दिया गया, क्या ये सच है? नहीं वो यहीं मर गया वो। हाँ मतलब गांव वालों के द्वारा यहीं जला के मर गया था वो शायद यहीं। तो कुछ इस तरीके से स्टोरी है यहाँ की। और जो यहाँ का पर लोकेशन है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और इस खूबसूरत लोकेशन को एडवोकेट कौन क्या था, कुछ गुप्ता, क्या नाम गुप्ता था, एडवोकेट गुप्ता ने पूरा लीज पे ले रखा है भाई। आज के डेट में एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, बस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह चुका है। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है ना भाई, जो यहाँ की जंगल वगैरह है काफी खूबसूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू दा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नीचे क्या है, कौन से खंडहर है? ये भी उसी का उठता पार्ट ऑफ जो जो जैसे अस्पताल होते हैं हमारे यहाँ, तो उसी का जैसे एक पर्टिकुलर हाउस होता है कि मतलब स्टे करने का नाइट में, वो है ये। अच्छा जैसे ये बहुत पता नहीं कब वार्ड टाइप के। हाँ वार्ड। अच्छा अच्छा, तो नॉट वार्ड बट स्टेइंग होम, मतलब डॉक्टर वगैरह जो रहते होंगे, डॉक्टर वगैरह जैसे फैमिली वगैरह रहती थी उनका है। अच्छा अच्छा, तो वैसे अंग्रेज बहुत खूबसूरत लोकेशन ढूंढते थे यार रहने के लिए सच में।
ऐसी जगह किसको मिलती है आज की डेट में? वही तो, यहाँ का हमारा लोहागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंची जगह है ये जॉर्ज माउंट एबर्ट माउंट सबसे हाईएस्ट लोकेशन है इसकी। और एक चीज ये बात है इस माउंट आबू की, जो भी है यहाँ का नाम, मतलब मेरे तो एबर्ट माउंट है, मेरे तो जबान ही लग जा रही है। और यहाँ अगर पेड़ों की क्वालिटी देखो ना, क्वांटिटी देखो, कुछ अलग ही प्रकार के हैं ये पेड़ पौधे ना, मतलब यहाँ इस क्षेत्र में बिल्कुल पाए ही नहीं जाते हैं। ये लगभग फॉरेन कंट्रीज के पेड़ है, जैसे एक ये हो गया, एक वो बीच ग्राउंड में पड़ा है, और एक ये पेड़ है। लगभग ये पेड़ मतलब इंडिया में पाए नहीं जाते हैं, तो लगा लो अंग्रेजों के टाइम के पेड़ पौधे अभी भी कुछ यहाँ बचे हुए हैं। कहा जाता है कि जो पीछे हॉस्पिटल दिख रहा है ना, तो ये अंग्रेजों का हुआ करता था। अंग्रेजों का ट्रीटमेंट तो यहाँ अच्छी तरीके से हुआ करता था, लेकिन जो इंडियंस यहाँ आते थे, पेशेंट आते थे, वो कभी जिंदा वापस नहीं जाते थे भाई। उनका तो खोपड़ी खोल दिया जाता था, जिंदा कहाँ से जाते। तो कहा जाता है अभी आज भी रात को जो यहाँ एक्सपायर हो गए थे, मतलब हमारे हिंदुस्तान के थे जो, वो तो शहीद हो गए समझो, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले की लड़ाई थी वो, कहते हैं कि आज भी उनकी आत्माएं यहाँ घूमती हैं। तो यार दोस्तों, आप लोगों ने देखा भूतिया बंगला, जो कि अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है, और देखा आप लोगों ने वो चर्च जो 1942 में बना था, अब वो खंडहर हो चुका है। तो यार दोस्तों, आज के इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जर्नी पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।